हेलो व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग देखेंगे ए का नेक्स्ट लेक्चर अमेजॉन एफेक्ट फॉर लस्टर तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसका हम लोग हैंड्स ऑन परफॉर्म करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो अमेजॉन एफेक्ट फॉर लस्टर बेसिकली क्या होता है अमेजॉन एफेक्ट फॉर लस्टर मेक इट ईजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू लॉन्च एंड रन द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम मीन्स ये कि ऐसा लो कॉस्ट फाइल सिस्टम अमेजन ने प्रोवाइड किया है जिसमें आप मल्टीपल इंस्टेंस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट में आप उसमें डेटा एक्सेस कर डेटा पुट कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं उसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं अप्लीकेशन कोई लॉन्च कर सकते हैं और ये बहुत ही सिक्योर होता है मीन्स इसमें जो डेटा जब इस स्टोरेज में डेटा रखेंगे तो वो इन ट्रांजिट जो डेटा होगा वो भी इनकिपटेड फॉर्मेट में होगा और जो डेटा इन रेस्ट होगा वो भी आपका इनकिपटेड फॉर्मेट में होगा तो ये एक बहुत ही सिक्योर कॉस्ट इफेक्टिव हाई परफॉर्मेंस एंड मल्टी इंस्टेंस एक्सेसबल स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है अमेजोन यूज इट फॉर वर्कलोड वेयर स्पीड मैटर आप इसको वहां पे यूज करिए जहाँ आपको स्पीड का इशू आ रहा है आपको मिली सेकेंड में प्रोसेसिंग चाहिए आपको बहुत ज़्यादा थ्रोपुट uh, की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा आईओप्स की रिक्वायरमेंट है आपको तो वहाँ पे आप इस फाइल सिस्टम का यूज कर सकते हैं सच एज मशीन लर्निंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वीडियो प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग तो यहाँ पे बेसिकली आप इनका यूज कर सकते हैं अलाउ योर वर्कलोड टू प्रोसेस डेटा वाइल कंसिस्टेंट सब मिली सेकेंड मीनस अगर डेट आपको डेटा की प्रोसेसिंग कुछ मिली सेकेंड में चाहिए आपको बहुत ही कम समय में चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आईओप्स या आपको थ्रो की नींद हो रही है तो वहाँ पे आप इस टाइप के फाइल सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं ये ऐसा फाइल सिस्टम होता है जिसको आप मल्टीपल इंस्टेंसेस में कनेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम पे और उन सभी इंस्टेंसेस से एट ए टाइम पे आप डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं डेटा एक्सेस कर सकते हैं डेटा रीड कर सकते हैं डेटा राइट कर सकते हैं तो आप बहुत ही लिमिट समय में बहुत ही कम समय में बहुत हाई थ्रूपुट डेटा की रिक्वायरमेंट है बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप अमेजोन एफ एक्स फॉर लस्टर का यूज़ कर सकते हैं अप टू तो हंड्रेड ऑफ गीगाबाइट पर सेकेंड ऑफ थ्रूपुट मीन समझिए अप आप टू तो आप तो आप तो आपको कितना ज़्यादा गीगाबाइट प्रोवाइड करता है एंड अप टू मिलियंस ऑफ आई मतलब इस अगर स्टोरेज का यूज़ कर रहे हैं अब तो आप मिलियंस ऑफ आई ओफ्स आप यूज कर सकते हैं एंड हंड्रेड ऑफ गिगाट थ्रोपुट आप यूज कर सकते हैं यू नो लॉन्गर नीड टू वरी अबाउट द हार्डवेयर प्रोविजनिंग एंड मैंटेनेंस और इसमें एक एडवांटेज और है बेस आप इसको यूज करिए आपको इसको मैंटेनेंस के लिए आपको आप वरी नहीं होना है आपको uh, टेंशन नहीं लेना है इसके अपग्रेशन के लिए टेंसर, आपको टेंसन नहीं लेना है बैकअप का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है इसको मैनेज करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है क्यों क्योंकि ए खुद ही मैनेज करता है इसको इसका बैकअप का परफॉर्मेंस का सब चीज़ ए मैनेज करता है आपको सिर्फ डेट इसका यूज करना है और जितना आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको इसका पे करना है तो यू नो लॉन्गर नीड टू वरी अबाउट द हार्डवेयर प्रोविजनिंग एंड एंड मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर कॉम्फिकेशन बैकअप मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लेक्स परफॉर्मिंग ट्यूनिंग फॉर द फाइल सिस्टम तो आप इन किसी भी चीज़ की आपको हार्डवेयर प्रोविजनिंग की मेंटेनेंस की सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बैकअप की आ, कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं ए खुद उसको मैनेज करेगा आपको सिर्फ इसको यूज करना है और जितना आप यूज़ करेंगे जिस हिसाब से आप आई यूज़ करेंगे या आप थ्रोपुट यूज करेंगे जितना आप स्टोरेज यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा इन मिनट्स यू कैन क्रिएट एंड लॉन्च एन अमेजोन एफेक्स for Lustre फाइल सिस्टम by यूजिंग ए Management Console, मैनेजमेंट CLI ए AWS SDK. और ए डब्ल्यू एस मतलब आप दो से पाँच मिनट के अंदर पाँच से दस मिनट के अंदर आप ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल का यूज़ करके या सी ए डब्ल्यू एस सी एल आई का यूज करके या ए डब्ल्यू एस डी के का यूज करके, करके पाँच से दस मिनट के अंदर आप जो एमेज़ोन ए डब्ल्यू एस का जो एफेक्स लस्टर फाइल सिस्टम है इसको आप रेडी कर सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं इसको, है, इसको यूज में ले सकते हैं तो पाँच से दस मिनट क्योंकि टाइम पीरियड में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं या इसका बैकअप ले सकते हैं तो बहुत ही फास्ट ये फाइल सिस्टम होता है सीमलेसली इंटीग्रेटेड विथ अमेजन एस थ्री एस स्टोरेज मीन्स इसका एक और एडवांटेज है कि आप इसको एस थ्री स्टोरेज के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं तो जो भी एस थ्री स्टोरेज में डेटा होगा वो एज ए फाइल की तरह ट्रीट करेगा उसको और उसको आप एट ए टाइम पे हाई थ्रूपुट के साथ उसको आप रीड राइड या मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं उसको उसमें क्वेरी चला सकते हैं अपने हिसाब से डेटा को को मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं तो कनेक्ट योर एस थ्री डेटा सेट फॉर योर एफएक्स फॉर लस्टर फाइल सिस्टम तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं मतलब अमेजोन का जो एस थ्री स्टोरेज है उसको आप एफेक्ट के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं Accessible फॉर from ऑन premises ओवर डायरेक्ट कनेक्ट एंड वी पी एन कनेक्शन एक एडवांटेज ये भी है कि आप अपने ऑन प्रीमाइसिस से भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने ऑन प्रीमाइसिस के से डेटा इस स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं या इस स्टोरेज से डेटा आप ऑन प्रीमाइसिस में डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही फास्ट स्पीड में आप एक्सेस कर सकते हैं डेटा लेकिन उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कनेक्शन है ऑन प्रीमाइसिस और क्लाउड के बीच में क्लाउड के बीच में वो या तो डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए या तो वीपीएन कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में स्टेब्लिश तभी आप इसका यूज कर सकते हैं तो आप इसका ऑन प्रिमाइसिस में भी यूज कर सकते हैं फाइल सिस्टम डेट इज ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट मीनस ये एक ऐसा फाइल सिस्टम है जिसमें आपको इनक्रिप्सन बाई डिफॉल्ट मिलेगा लगा हुआ है आप चाहे डेटा इसमें कोई पड़ा हुआ हो मतलब डेटा इन्जेस्ट हो उसमें भी इंक्रिप्शन अप्लाई होगा या डेटा जो मूव हो रहा है आप जो डेटा इसमें इंसर्ट स्टोर कर रहे हैं या डेटा को एक्सेस कर रहे हैं जो डेटा मूव हो रहा है उस डेटा में भी आपका इंक्रिप्शन अप्लाई होगा वो डेटा भी इंक्रिप्टेड डेटा ही होगा यू कैन एक्सेस हाई परफॉर्मेंस शेयर स्टोरेज फ्रॉम टेन और थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर इंस्टेंस मीन्स मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा स्टोरेज है जो शेयर स्टोरेज है मीन्स उसको एट ए टाइम पे दस बीस पचास सौ इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं और उन सभी इंस्टेंस से एट ए टाइम पे डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं डेटा एक्सेस कर सकते हैं डेटा रीड कर सकते हैं मीनस नंबर एंड थाउजेंड्स आप सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं इस स्टोरेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं इस स्टोरेज को सभी इंस्टेंसेज में अटैच कर सकते हैं और उसमें डेटा प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं एट ए टाइम पे उन सभी इंस्टेंसेस से जिन इंस्टेंसेस में आपने इस फाइल सिस्टम को कनेक्ट किया है तो इसका अभी हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा मैं दो ए सी टू स्टैंड क्रिएट करूंगा लीन के उन दोनों ए सी टू स्टैंड में इस फाइल सिस्टम को अटैच करूंगा और सेम टाइम पर उनमें डेटा को मैं इंसर्ट और एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको एमेजोन एफेक्स फॉर लस्टर इज एस POSIX compliance, so you can use the current file system application without having to make any changes. जो एमए अमेजोन एफ एक्स लस्टर फाइल सिस्टम होता है ये पी ओ एस आई एक्स कम्प होता है मीन्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस इसका स्टैंडर्ड होता है पी ओ एस आई एक्स का पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस मीन्स ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो आप अगर लिनक्स इंस्टैंस में कोई भी एप्लीकेशन रन कर रही है वो सभी एप्लीकेशन इससे कम्पेटिबलिटी होगी आपको ऐसा नहीं है कि अगर कोई अप्लीकेशन रन कर रही है या कोई डेटा पड़ा है वो इससे कम्पेटेबल ना हो आपका तो ऐसा आपको टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक पोसिक्स कम कम्प्लाइंट आपका फॉलो करता है मीनस ये पोसिक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है मैंने आपको बताया है तो आपकी अगर लीनेक्स मशीन है उसमें कोई भी आपका अप्लीकेशन रन कर रही है तो वो आप आप इस स्टोरेज में आप इस रन करा सकते हैं स्टोरेज में डेटा स्टोर कर सकते हैं किसी टाइप का डेटा तो ये भी एक एडवांटेज है तो चलिए अब इसका लैब परफॉर्म करते हैं इसके लैब में मैं दो ई सी टू इंस्टैंट्स क्रिएट करूँगा लीन के फिर आपके अफेक्ट्स क्रिएट करूँगा एफेक्ट्स फॉर लस्टर क्रिएट करूँगा और उस स्टोरेज को मैं इन दोनों ई सी टू इंस्टैंट जो लीनक्स ई सी टू इंस्टैंट क्रिएट करूँगा उसमें कनेक्ट करूँगा और उसमें एट ए टाइम पर मैं डेटा प्रोसेसिंग करके आपको दिखाऊँगा तो चलिए अपनी लैब को परफॉर्म करते हैं हम लोग सो व्यूवर्स देखिए इस समय मैंने अपने ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया है और इस समय मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ तो सबसे पहले मैं दो इशू टू इंस्टेंस क्रिएट करूँगा तो इंस्टेंस तो में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिनक्स के दो इशी टू इंस्टैंस क्रिएट करूँगा तो, तो लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करता हूँ लिनक्स टू एम आई मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ लिनक्स टू एम आई को मैं सेलेक्ट किया टी टू माइक्रो ही मैं लूँगा यहाँ पे नेश कर रहा हूँ और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में मैं वन की जगह टू कर दे रहा हूँ एंड नेश कर रहा हूँ डिफॉल्ट स्टोरेज साइज में ले रहा हूँ एट जी बी मैं नेश कर रहा हूँ टैग में नहीं दे रहा हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में मैं यहाँ पे एसएसएस अलाउ कर रहा हूँ प्लस दो प्रोटोकॉल आपको और अलाउ करने पड़ेंगे आप कस्टम टीसीपी में जाएंगे यहाँ पर पोर्ट नंबर आप अलाउ करेंगे नाइन और एट पब्लिक ऑल पब्लिक आईपी के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ ये देखिए एंड वन और प्रोटोकॉल मैंने अलाउ किया है कस्टम यूडीपी कस्टम टीसीपी एंड कस्टम यूडीपी सेम पोर्ट नंबर नाइन एट एंड ऑल पब्लिक आईपी के लिए इसको भी मैंने अलाउ किया है दोनों इसी टू तो इंस्टेंस के लिए एंड रिव्यू एंड लॉन्च में मैंने क्लिक किया है एंड लॉन्च में मैंने क्लिक कर दिया है की पेयर के लिए पूछ रहा है मैंने पेयर सेलेक्ट किया की एट की पेयर किया मैंने और उसका नाम दिया लिनक्स एफएक्स एंड इसको मैंने डाउनलोड कर दिया तो ये मेरी कीपेर फाइल डाउनलोड हो गई है मैंने लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया तो मेरे इंस्टेंसेस लॉन्च होने लगे हैं तो जब तक मेरे इंस्टेंस लॉन्च हो रहे हैं तब तक मैं अपना जो एफएक्स फाइल सिस्टम है एफएक्स फॉर लस्टर फाइल सिस्टम है उसको क्रिएट कर लेता हूँ तो आपको सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको एफ एक्स फाइल्स फाइल सर्च करेंगे तो देखिए तो आपके सामने ऐसा कंसोल ओपन होगा Amazon एफेक्स का तो मैं ये वाला आपका एफेक्स फॉर विंडोज फाइल सिस्टम का पेटिकल आपको पहले ही बता चुका हूँ तो इस वाले इस वाले मैं वीडियो में आपको ये वाला पैड का बताने जा रहा हूँ एफेक्स फॉर लीनेक्स फाइल सिस्टम तो आपको देखिए अभी यहाँ पे कोई भी फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं है कोई भी स्टोरेज क्रिएट नहीं है कोई भी लस्टर क्रिएट नहीं है मुझे नया क्रिएट करना है अगर कोई क्रिएट होता तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाता अभी कोई भी नहीं है ना ही विंडोज़ के लिए है ना लिनक्स के लिए है तो सबसे पहले आपको क्रिएट फाइल सिस्टम में क्लिक करना है तो ये वाला पैड का मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ अमेजान एफ़ेक्स फॉर विंडोज़ फ़ाइल सिस्टम अब मुझे अमेजोन एफ एक्स फॉर लस्टर में सेलेक्ट करना है तो मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो देखिए इसके बारे में उसमें डिस्क्राइब किया है, जो जो मैंने आपको अभी थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाया था वही यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया हुआ है तो इसके लिए इसके बाद आपको नेस्ट करना है तो यहाँ पे फाइल सस्टा का सिस्टम का नेम देना है तो मैंने यहाँ पे नेम असाइन कर दिया टेस्टिंग अब आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको एस आपको स्टोरेज टाइप चाहिए एस एच डी या एच डी डी इस्टोरेज टाइप चाहिए एस एच डी स्टोरेज टाइप में आपको बहुत ज़्यादा थ्रो मिलेगा आई ओफ बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है जबकि एच डी टी की परफॉर्मेंस uh, आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन इसका आपकी कॉस्ट थोड़ा कम हो आपको पड़ेगी तो ये कॉस्टिंग वाइज एच डी डी ज़्यादा अच्छा है और अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो आपको एच डी डी स्टोरेज सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको सेट करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे एस डी डी सेट का रखा है सॉलिड स्टेट ड्राइव अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटी पूछ रहा है तो मिनिमम देखिए सपोर्ट आपका साइज़ वन पॉइंट टू टी बी मतलब मुझे वन पॉइंट टू टी बी असाइन करना ही पड़ेगा मिनिमम इससे कम साइज़ में असाइन नहीं कर सकता हूँ और टू पॉइंट फोर टी बी का इंक्रीमेंट के हिसाब से मैं इसको एड ऑन कर सकता हूँ स्टोरेज को ऐड कर सकता हूँ इंक्रीज कर सकता हूँ स्टोरेज तो चलिए मैंने यहाँ पे स्टोरेज का साइज़ दिया वन पॉइंट टू और इससे कम मैं दे नहीं सकता हूँ मैं दिखा देता हूँ अगर मैं यहाँ पर 1.1 देता हूँ तो ये एरर दे देगा तो देखिए एरर दे दिया इसने तो इसमें मुझे यहाँ पर 1.2 करना ही पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे वी आप डिफ़ॉल्ट लेके चलिएगा सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला अप्लाई कर रहा है सिक्योरिटी ग्रुप आप चाहें तो कोई दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप भी अप्लाई कर सकते हैं बना सकते हैं तो चलिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो खुद का सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हैं तो मैं चलिए पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ तो मैं वापस जाता हूँ अपने EC2 टू इंस्टैंस में और यहाँ पे मैं जाऊँगा सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप मैंने यहाँ पे दिया एफ इसका नाम दिया एफ for फॉर एफ फॉर लस्टर डिस्क्रिप्शन असाइन किया वी डिफॉल्ट लिया मैंने इन बाउंड रूल में मैंने ऐड किया कस्टम टी पोर्ट नंबर नाइन एट एंड ऑल पब्लिक आईपी के लिए कस्टम यूडीपी डी लूँगा मैं नाइन एट और यहाँ भी मैं ऑल पब्लिक आईपी पी लूँगा एंड एसएसएस प्रोटोकॉल भी मैं लूँगा यहाँ पे, वो भी मैं ले लेता हूँ वो भी मैं ऑल पब्लिक आईपी के लिए लूँगा तो आप खुद का भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं तो मैंने खुद का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम मैंने एफ़ेक्स दिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑल बॉन्ड वोल ऑल आपका है ऑल पब्लिक आईपी के लिए ऑल ट्रैफिक अलाउ है मैंने क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर क्लिक कर दिया अब मैं इसी सिक्योरिटी ग्रुप को अप्लाई करूँगा अपने एफ फाइल सिस्टम में तो मैं वापस एफ फाइल सिस्टम में चलता हूँ मेरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया है ये देखिए एफ नाम से तो मैं आता हूँ वापस एफएक्स में जाता हूँ क्रिएट फाइल सिस्टम अमेजान एफेक्स फॉर लस्टर क्लिकनेस्ट नेम मैंने दिया टेस्टिंग साइज मैंने लिया 1.2, स्टोरेज एस एस डी ही मैंने लिया है और साइज दिया है वन पॉइंट टू नेटवर्क डिफॉल्ट भी पी सी लिया है सिक्योरिटी ग्रुप मैंने यहाँ से ये यह हटा दिया है कैंसिल कर दिया है और जो मैंने खुद का सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है मैं वो असाइन करूँगा तो मैंने यहाँ वाला सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट कर दिया है और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला एफ नाम दिया था तो इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिफॉल्ट सबमिट लेके चल रहा हूँ अब देखिए यहाँ पे इंक्रिप्शन कौन सा ले रहा है इंक्रिप्शन अब मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है तो ये देखिए उसकी सीएमएस की यहाँ पे आईडी दिखा रहा है सीएमएस की आईडी तो इसी सीएमएस की आईडी से वो डेटा एट रेस्ट या डेटा इन ट्रांजिट को इनक्यूब करता है डीक्यूप करता है चलिए उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट और सारे पैरामीटर आप देख लीजिए तो ये पैरामीटर हैं और उसके बाद केट फाइल सिस्टम में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा एफेक्ट फॉर लस्टर केट होने लगा ये देखिए केटिंग दिखा रहा है तो ये टाइम लेगा पाँच मिनट तक टाइम लेता है पाँच से सात मिनट क्रिएट होने में सक्सेसफुल क्रिएट होने में तो चलिए मैं तब तक ये क्रिएट हो रहा तब तक मैं अपने ई सी टू इंस्टैंस को कनेक्ट कर लेता हूँ तो मैं वापस अपने ई सी टू में आता हूँ इंस्टैंसेस में तो देखिए ये दो मेरे EC2 टू इंस्टैंस रेडी हो गए टू बाई टू चेक ओके okay, दिखा रहा है मैं इनका नाम असाइन कर दे रहा हूं एक का नाम मैं दे रहा हूं लिनक्स ग्रीन और एक का नाम मैं दे रहा हूं लिनक्स ब्लू एक का मैंने नाम दिया है लिनक्स ग्रीन एंड एक का नाम दिया मैंने ब्लू लीनक्स को कनेक्ट करने के लिए आपको प्राइवेट की की फाइल प्राइवेट की फाइल की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं सबसे पहले प्राइवेट की फाइल जनरेट कर लूँगा पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर के थ्रू तो मैंने पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर एक्सेस किया अगर आपको कोई डाउट है कि कैसे पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल को जनरेट करते हैं की जनरेट करते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको आ, आपको गाइड किया हुआ है तो मैंने पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर एक्सेस किया क्लिक लोड लोड में मैंने क्लिक किया यहाँ पर ऑल फाइल्स में क्लिक करूंगा मैं और जो मैंने की पेयर फाइल डाउनलोड की थी मैंने लिनक्स एफेक्ट्स की पेयर फाइल डाउनलोड की थी इसको सेलेक्ट कर लूँगा मैं ओपन करूँगा ओके okay करूँगा और सेव प्राइवेट की में मैं क्लिक कर दूँगा यस yes करूँगा इसका नाम मैंने दे दिया प्राइवेट लिनक्स लस्टर की पेयर मैंने नाम दिया इसको सेव किया तो मेरी फाइल जनरेट हो गई अब मुझे इनको एक्सेस करना है तो देखिए सबसे मैंने सबसे पहले मैं ब्लू वाले ई सी ट्वेंटाज को एक्सेस करने जा रहा हूँ जो लिनक्स ब्लू वाला है तो इसका पब्लिक आईपी ये है मैंने इसको कॉपी किया पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया यहाँ पर मैं अपीरेंस में जाऊँगा चेंज में जाऊँगा और यहाँ पर मैंने इसका जो फोन साइज है ट्वेल्व ले लिया है और उसको बोल्ड मैंने कर लिया है ओके किया एंड इसका कलर में मैंने जा रहा हूँ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में मैं सेलेक्ट किया मॉडिफाई किया ये ब्लू है इसको मैं ब्लू ले लेता हूँ तो ब्लू लेने के लिए आप इसमें क्लिक करेंगे ब्लू कलर में और ऐड टू कस्टम कलर में क्लिक किया और ओके किया उसके बाद आप सेशन में जाएंगे और यहाँ सेशन में मैंने आई डाला इस पब्लिक इसका इस तो के पब्लिक आई देखी सेम आई मैंने कॉपी किया एसएसएस में क्लिक करेंगे ऑथ में क्लिक करेंगे और जो आपने प्राइवेट की फाइल जनरेट की है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मैंने इस नाम की प्राइवेट फाइल जनरेट की थी तो वो मैंने फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट किया है एंड उसको ओपन किया तो देखिए मेरा ब्लू वाला ई टू इंस्टाइस मैंने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर लिखेंगे ई टू डैश यूजर तो ये देखिए मैंने अपने फाइल अपने इसी टू इंस्टैंड को कनेक्ट कर लिया है और उसका बैकग्राउंड मैंने ब्लू दिया है ताकि आप आ, आराम से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मैं किस वाली लिनक्स में काम कर रहा हूँ किस वाली लिनक्स इसी टू इंस्टाइंस में मैं काम कर रहा हूँ चलिए ऐसे ही मैं ग्रीन वाले को भी एक्सेस कर लेता हूँ तो ग्रीन में मैंने क्लिक किया ग्रीन वाले का आई ये है मैंने इसको कॉपी किया पुट्टी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया और यहाँ पर गया न्यू सेसन में एप्लियंस में गया सेम मैं यहाँ पे भी इसका फ़ॉन्ट का साइज ट्वेल्व कर लेता हूँ बोल्ड कर लेता हूँ एंड इसको कलर में मैं जाता हूँ बैकग्राउंड कलर मॉडिफाई यहाँ पर मैं ग्रीन करता हूँ एड कस्टम कलर एंड ओके किया सेसन में जाके मैंने यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी पी एस किया एंड एस 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 में गया मैं ऑथ में क्लिक किया और जो प्राइवेट फाइल प्राइवेट की फाइल जनरेट की है उसको मैंने सेलेक्ट किया एंड ओपन किया एंड ओपन तो ये देखिए मेरी ग्रीन वाला ई सी तो टू इंस्टेंट्स मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे यहाँ पे भी ई सी टू डैश यूजर मैं टाइप करूँगा और ये देखिए मैंने ई सी टू दोनों ही ई सी टू को कनेक्ट कर लिया है मैं दिखा दूँ दोनों ही ई सी टू अलग अलग आई पी हैं देखिए इनके इसका ब्लू वाले का जो प्राइवेट आई पी है वो वन सेवेंटी टू डॉट वन डॉट थ्री वन डॉट एट नाइन डॉट वन सिक्स जीरो है जबकि ग्रीन वाले लिनक्स ईसी का प्राइवेट आईपी वन सेवेंटी टू थर्टी वन नाइन थ्री डॉट वन ज़ीरो फाइव है तो मैं यहाँ भी आपको चेक करा देता हूँ ग्रीन का देखिए ये वाला वन जीरो फाइव वाला प्राइवेट आईपी है ये देखिए और जबकि ब्लू वाले में मैं क्लिक करता हूँ तो इस ब्लू वाले का प्राइवेट आई पी वन, वन लास्ट में है तो देखिए मैंने दोनों ही इसी टू इंस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है और आप आराम से इसको पहचान पाएं इसलिए मैंने दोनों के कलर चेंज कर रखे हैं एक को लिनक्स ब्लू का नाम दिया है एक को लिनक्स ग्रीन का नाम दिया है तो मैंने अपने लिनक्स इंस्टेंसेस को एक्सेस कर रखा है अब मैं वापस चलता हूँ अपने फ़ाइल सिस्टम में और चेक करता हूँ कि मेरा फाइल सिस्टम क्रिएट हुआ है या अभी पेंडिंग है तो मैं वापस लस्टर में क्लिक करता हूँ एफ में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अवेलेबल स्टेटस अवेलेबल दिखा दिया है मतलब ये मेरा फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया है अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो देखिए क्या करना है आपको इसको सेलेक्ट करना है एंड अटैच में क्लिक करना है तो जैसे ही अटैच में क्लिक करेंगे तो ये दो कमांड आपको बताएगा इन दो कमांड के थ्रू ही आप अटैच कर पाएंगे तो दोनों ही कमांड दोनों ही इसी टू तो इंस्टेंस में रन करानी है तो मैं पहली वाली कमांड को कॉपी कर लेता हूँ सूडो एम के डी आई आर एफ एक्स तो इस कमांड के थ्रू बेसिकली हम एक एफ एक्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे रूट ड्राइव के अंदर रूट पार्टीशन के अंदर तो देखिए मैंने इसमें कमांड टाइप की तो यहाँ पे डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है और यहाँ पे भी मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ऑलरेडी डायरेक्टरी बनी होगी तो देखिए डायरेक्टरी बनी हुई है फाइल एग्जिस्ट इस नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है मैं फिर से कमांड टाइप करके दिखा दे रहा हूँ आपको मैं ये डायरेक्टरी डिलीट करके फिर से टाइप करके दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने आर एम स्पेस हाई आर एफ बी एंड स्लैश एफ एक्स फ़ाइल को मैंने डिलीट किया डायरेक्टली परमिशन डिनाई दिखा रहा तो मुझे सूडो लगाना है आगे एस यू डी ओ सूडो तो देखिए डायरेक्टली रिमूव हो गई यहाँ पे भी मैं कमांड टाइप करता हूँ एस यू डी ओ सूडो आरम स्पेस हाइफ़न आर एफ वी आर एफ वी और डायरेक्टरी का नाम मैंने दिया एफ एक्स तो देखिए मैं फिर से कमांड टाइप कर रहा हूँ मैं इस कमांड को कॉपी किया और सबसे पहले मैं दोनों ही में कमांड टाइप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कमांड सक्सेसफुल रन कर गई मीन्स इस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है सेम मैंने इसमें कमांड टाइप की तो देखिए यहाँ भी यहाँ भी मैं फिर से कॉपी करना पड़ेगा तो देखिए इस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है सूडो एम के लेर डैश तो दोनों में मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है अब मैं दूसरी कमांड का कर यूज़ करूँगा इस कमांड के थ्रू जो मेरा फाइल सिस्टम क्रिएट हुआ है जो मेरा स्टोरेज क्रिएट किया क्रिएट हुआ है उस स्टोरेज को मैं इस फोल्डर में माउंट करूँगा माउंट कमांड के थ्रू इस जो फोल्डर बनाया मैंने एफेक्स फोल्डर उसमें माउंट करूँगा तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल सा दोनों ही टू इंस में मैं इसको रन कराना है तो मैंने दोनों ही एक्सेस कर लिया पहले ब्लू में मैं कर के दिखाता हूँ आपको तो देखिए मिसिंग कोड पेज और हेल्पर प्रोग्राम अदर अदर बैड अच्छा ये एरर इसलिए आ रहा है मैं एक्चुअली मुझे पहले लस्टर के आर इंस्टॉल करने पड़ेंगे और जो मैंने स्किप कर गया पहले उसके जो लस्टर कनेक्ट करना है तो पहले उसके आर दोनों ही इसी ट्विन टू में मुझे कनेक्ट करने पड़ेंगे इंस्टॉल करने पड़ेंगे उसके बाद ही मैं कर पाऊँगा इस कमांड का यूज़ कर पाऊँगा तो सबसे पहले देखिए कैसे उनको इंस्टॉल करना होता है तो उसका भी यहाँ पे ये देखिए उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है ये इस लिंक में क्लिक करना है तो इस लिंक में उसने बताया कि कैसे आप लस्टर के क्लाइंट को इंस्टॉल करेंगे तो इस लिंक को आपने एक्सेस किया तो देखिए मैंने जो लिनक्स की ईम ली थी वो लिनक्स टू ली थी तो आपको इसमें क्लिक करना है अगर आपने लिनक्स ईम ली होगी तो इसमें क्लिक करना है अगर आपने रेड रेड सेवन या सेवन पॉइंट फाइव या सेवन पॉइंट सिक्स लिया है तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप एम आई लेंगे उसी हिसाब से उसने बना रखे हैं इस, इस टूटोरियल में ये इंस्टॉलेशन के मेथड तो मेरा मैंने जो एम आई सेलेक्ट की थी वो ये वाली थी तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये कमांड टाइप कर लूँगा यू नेम स्पेस हाइफन आर इस कमांड से क्या बेसिकली पता चल जाएगा मुझे कर्नल का वर्जन पता चल जाएगा तो देखिए मैं कमांड टाइप करता हूँ यू नेम स्पेस हाइफन आर तो जो मेरे कर्नल का वर्जन है देखिए फोर पॉइंट पॉइंट वन एट्टी सिक्स कर्नल का वर्जन है तो देखिए अगर ये कमांड बोल रहा है अगर आपका कर्नल का वर्जन फोर पॉइंट वन फोर जीरो और वन फोर पॉइंट फोर्टीन वन एट मतलब फोर पॉइंट है आपका तो आपको सिंपल सी ये कमांड टाइप करनी है और अगर आपका कर्नल का वर्जन फोर पॉइंट फोर्टीन से लोअर वर्जन है तो आपको बेसिकली कमांड टाइप करनी पड़ेगी ये वाली पहले आपको कर्नल को अपडेट करना पड़ेगा अपडेट अपडेट कर्नल उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा उसके बाद आप कमांड टाइप कर पाएंगे तो मेरा कर्नल ऑलरेडी अपडेटेड है तो मुझे इस वाली कमांड की कोई नीड नहीं है मुझे सिर्फ ये वाली कमांड टाइप करनी है तो मैं ये वाली कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और दोनों ही इसी टू इंस्टेंस इस में मैं ये कमांड रन करके दिखाता हूँ तो मैंने इस वाले में ये देखी कमांड टाइप की और एंटर मारा तो देखिए ये मेरा लस्टर का आर पी एम इंस्टॉल हो गया है सेम कमांड मुझे लिनक्स सॉरी ग्रीन वाले ईसी टू इंस्टैंस में रन करनी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए आपको दिख रहा होगा और मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया तो देखिए इसमें भी वो पैकेज इंस्टॉल होने लगा और ये देखिए वो लस्टर का पैकेज इसमें भी इंस्टॉल हो गया तो देखिए दोनों ही ईसी टू में मैंने वो पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं अब मैं अपने लस्टर स्टोरेज को कनेक्ट कर सकता हूँ तो देखिए फिर से मैं वो कमांड टाइप कर रहा हूँ ये वाली तो मैंने इस कमांड को टाइप कॉपी किया और मैंने दोनों ही इसी टू इंस्टैंड को यहाँ पे एक्सेस किया वन बाय वन पहले मैंने ग्रीन में वो कमांड टाइप की और एंटर प्रेस किया तो देखिए इस बार एरर नहीं आया इस बार मेरी कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है सेम मैं ब्लू वाले में वो कमांड टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए कमांड मेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है विदाउट कोई एरर तो लास्ट टाइम में मैं क्या गलती कर रहा था मैंने आर पी एम इंस्टॉल नहीं किए थे लस्टर के जिसलिए वो एरर आ रहा था तो चलिए अब मैं क्या आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इस डायरेक्टरी को एक्सेस करता हूँ और उसमें मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा वो फ़ाइल एज ए टाइम पे ये इशू टू इंस्टेंस भी एक्सेस कर पाएगा और सेम ये इशू टू इंस्टेंस भी क्रिएट कर पाएगा उसमें मॉडिफाई कर पाएगा तो चलिए मैंने कमा सूडो मैंने कमांड टाइप की सूडो नैनो नैनो से एक फाइल क्रिएट होती है नैनो और इसी डायरेक्टरी के अंदर आपको करना है याद रखिएगा ये इस डायरेक्टरी के अंदर ही करना है आपको मैंने किया एफ एक्स को एक्सेस किया यहाँ पे मैंने कमांड फाइल क्रिएट की टेस्ट डॉट टी एस टी इस फाइल में मैंने एडिट किया हेलो वीवर्स और मैंने सेव किया सेव करने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है नैनो एडिटर में कैसे सेव होता है कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स तो मैंने पहले कंट्रोल ओ प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंड कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो देखिए ब्लू वाले मैंने फाइल क्रिएट किए ब्लू वाले इसी टू इंस्टेंस में मैंने फ़ाइल क्रिएट किया मैं दिखा दे रहा हूँ कैट कमांड से एफेक्स के अंदर टेस्ट डॉट टी एस टी फाइल को तो उसके अंदर लिखा हेलो वीवर्स सेम फाइल को अगर मैं ग्रीन वाले में एक्सेस करना चाहूँ तो देखिए कैट एफ के अंदर और मेरी फाइल यहाँ पे देखिए फाइल दिख गई और उसके अंदर का कंटेंट भी दिख गया अब मैं इस फाइल को सेम फाइल को इसी वाले ग्रीन वाली से टू इंस्टाइंस में मैं मॉडिफाई करता हूँ देखिए नैनो सूडो लगा लेता हूँ मैं सूडो नैनो एफ के अंदर टेस्ट फाइल को मैंने एडिट किया और उसमें मैंने लिखा हाओ आर यू और मैंने इसको सेव किया कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स मैं देखिए ग्रीन वाले ब्लू में आया हूँ और फिर से मैं फाइल कंटेंट को रीड करता हूँ तो देखिए फाइल मेरी अपडेट हो गई हाउ आर यू हेलो वीवर्स तो आपने देखा कि सेम टाइम पे आप इस स्टोरेज को यूज़ करके मल्टीपल इंस्टेंस में अटैच कर सकते हैं और बहुत फास्ट आप डेटा को प्रोसेसिंग कर सकते हैं इसमें इस स्टोरेज में इस बहुत आपको ज़्यादा आईओ मिलते हैं बहुत आपको थ्रोपुट मिलता है जिसके थ्रू आप बहुत फास्ट मिली सेकेंड के अंदर बहुत बड़ा डेटा आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं मल्टीपल इंस्टेंस में आप कनेक्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू